नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। मध्य प्रदेश की महा डिबेट है आज, और आज महा डिबेट में बात कांग्रेस की राम भक्ति की कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण यानी कि न्योते को ठुकरा चुकी कांग्रेस अब खुद को राम भक्त साबित करने में जुट गई है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस राममय नजर आ रही है। ये भक्ति है या कुछ और, श्री राम के प्रति श्रद्धा है या डैमेज कंट्रोल की कोशिश? देश के दिल से लेकर राम के ननिहाल तक कांग्रेस आखिर क्यों राम नाम भजने लगी? कांग्रेस राम कृपा की प्यासी है या ये भक्ति सियासी है? तो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देश भर में उत्सव सा माहौल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष थोड़ी सी टेंशन में है। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराना कहीं भारी ना पड़ जाए, इसके लिए डैमेज कंट्रोल शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस राममय नजर आ रही है। पत्र वितरण करने जा रहे हैं जिसमें लगभग 4,31,00,000 बार राम लिखा जाएगा, भगवान राम जी का नाम लिखा जाएगा, और फिर 22 तारीख को हम इसे 2 बस में अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। और छिंदवाड़ा ज़िले की जनता, छिंदवाड़ा के प्रिय राम भक्तों को मैं बताना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। 22 को कांग्रेस पार्टी सभी जिला मुख्यालयों में सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया जाएगा, और जिसको भी समय होगा वो अपनी आस्था है कहीं भी शामिल हो जाए, एक दिन पहले हो जाए, 22 तारीख हो जाए, उसके बाद 5 दिन बाद अपना शामिल हो जाए, वो उनके ऊपर है। लेकिन हम लोगों ने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा। तो लगातार सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भी बात आपने सुन ली कि राम का ननिहाल है चंदखुरी। कांग्रेस यहां पर बड़ा आयोजन करने वाली है और हर जिले में हनुमान चालीसा का पाठ। लेकिन पहले निमंत्रण ठुकराना और अब राम भक्ति में डूब जाना, ऐसे राम भक्ति के मायने क्या है? ये भक्ति है या फिर सियासत की मजबूरी? आज इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों के साथ हम करने वाले हैं चर्चा। कांग्रेस आज कितने भी यू टर्न ले ले, पहले तो उन्होंने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, फिर उसके बाद विरोध करने लगे, कभी समय की बात करने लगे, कभी अधूरे निर्माण की बात करने लगे। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ आरोप और आलोचनाओं के रथ पर सवार होकर पूरी बातें कर रही है, जिसको देश की जनता अच्छा नहीं मान रही है। राम किसी पार्टी के नहीं है, वो जन जन के हैं, मन मन के हैं, सबके हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं, पूरे विश्व के हैं, और इसलिए इस मामले में कोई विवाद पैदा करना मुझे लगता है कि एक रामायण की ही चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख देही वाकी मति पहले हर लेही। तो मुझे लगता है कि जो प्रभु राम को नहीं मानने वाले लोग हैं उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। अब बात बारी आती है सवालों की, तो क्या क्या सवाल हैं आज की डिबेट के, पहले इन पर डाल लेते हैं एक नजर, क्योंकि कांग्रेस की राम भक्ति क्या सियासी मजबूरी है? पहला सवाल है कि कांग्रेस की राम भक्ति क्या सियासी मजबूरी है, क्योंकि पहले तो निमंत्रण ठुकरा दिया, अब राम भक्ति हो रही है, तो क्या यह सियासत की जरूरत या वक्त की नजाकत को समझते हुए यह फैसला लिया गया है? दूसरा सवाल क्या है यह भी आपको बता देते हैं। पहले कांग्रेस की भक्ति क्या सियासी मजबूरी है, यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस डैमेज कंट्रोल कर रही है, ये दूसरा सवाल है कि क्या कांग्रेस को क्या ऐसा लगने लगा है कि ये नुकसान ना हो जाए इसलिए डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस जुटी हुई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल और ये है कि क्या कांग्रेस को कलह बढ़ने का डर है? जी हाँ, इसीलिए कलह बढ़ने का डर है सवाल हम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इस्तीफों की झड़ी लगनी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ये सारे सवाल जो हैं इन्हीं पर आज हम
चर्चा करने वाले हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अजय धवले बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर आर के शुक्ला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, और शैलेशानंद जी महाराज महामंडलेश्वर जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और रुद्र विक्रम सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल बीजेपी के पास हम लेकर जाएंगे। अजय धवले जी, बीजेपी प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बताइए, ये कांग्रेस जो है अचानक से राम के ननिहाल में चंदखुरी में वहां पर रामचरितमानस का पाठ होगा, हर जिले में हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही जा रही है, इधर मध्य प्रदेश से भी खबरें आ रही हैं कि वहां से राम नाम के पत्रक भेजे जाएंगे, क्या है ये कांग्रेस का रंग? देखिए पुनित जी, एक बहुत सुंदर चौपाई है, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भगै सब सोका, और निश्चित रूप से ये चौपाई अब वास्तविकता बनने जा रही है। और क्यों बनने जा रही है? हम पहले भी कहते थे कि राम सिर्फ भारत वर्ष के नहीं अपितु पूरे संसार के प्रतिष्ठान का ऐसा केंद्र बिंदु है जो पूरे सनातन को जोड़ता है, पूरे विश्व को जोड़ता है, और निश्चित रूप से 140 करोड़ देशवासियों में हमारे मित्र कांग्रेसी भी आते हैं, इसीलिए उनके नेतृत्व को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने निमंत्रण दिया था। लेकिन उनका सनातन विरोध देख लीजिए, या उनकी मति मारी गई थी, उन्होंने वो निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। लेकिन आज जिस प्रकार से देश में वातावरण बना है, एक उत्सव का वातावरण, 500 वर्षों बाद यह तिथि आ रही है जब श्री रामलला अपने जन्मभूमि पे अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से आज देश का कनकन और जनजन इस उत्सव में सहभागी होने के लिए उत्सुक है। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ तथाकथित कांग्रेसी जिन्होंने ये विरोध किया था, लेकिन वास्तव में मूल भावना जो है वो तो इस सनातन की ही रही है हमारे देश की, तो वो जो आज इस इवेंट निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद भी श्री रामलला की भक्ति से जागरूक जिनका मन हुआ है, तो हम स्वीकार करते कि वो निश्चित रूप से वो अपनी गलतियां स्वीकार करें। पहली बात हमें ये देखना पड़ेगा पुनित जी कि हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक सांस्कृतिक उत्थान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है जो 500 वर्षों से हमारी परंपरा, हमारा देश जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था। निश्चित रूप से ये प्रतिष्ठा आस्था और धैर्य का भी प्रतीक है कि इतने वर्षों के साथ में सनातन धर्म में धैर्य रखा, उन्होंने इस बात पे विश्वास रखा कि न्याय प्रविष्ट प्रक्रिया के तहत इस पे निर्णय आएगा, और उस निर्णय के सम्मान स्वरूप जो हमारे श्री रामलला का मंदिर तुड़वा दिया गया था, जिसके ऊपर मीर बाकी ने मस्जिद बना दी थी बाबर को सिर्फ खुश करने के लिए। इतिहास से सभी परिचित है, इतिहास से सभी परिचित है, और कांग्रेस भी परिचित है, तो इतिहास को दोहराने की जरूरत नहीं है, ये समय लेता है ये चीजें। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात कांग्रेस की हो रही है तो कांग्रेस से सवाल पहले बनता था, ठीक है जुड़ नहीं पाए थे उस वक्त, कुछ टेक्निकल ग्लिच थे। सुरेंद्र जी ये बताइए, कांग्रेस का कौन सा नया रंग है? कांग्रेस को क्यों अचानक से लगने लग गया कि राम पत्रक भी भेजना है? कांग्रेस को क्यों लगने लगा कि चंदखुरी में माता कौशल्या जो हैं बैठी हैं, राम जी का ननिहाल जो है वहां पर हमको रामचरितमानस का पाठ करना है, हर जिले में हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है? यह वो सामाजिक राम सुरेंद्र जी क्षमा चाहूंगा, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, मैं आपके पास दोबारा जुड़ूंगा, लेकिन उसके पहले आरके शुक्ला साहब राजनीतिक विश्लेषक जो हैं उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। शुक्ला जी कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के इस कदम को? ब्रह्मांड राजाधि राज भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर हम सभी लोगों को, समस्त देशवासियों को राममय हो जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनमें से भी अधिकांश इस अवसर पर राममय हैं। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता या नेता हैं जो बीच बीच में अपने वक्तव्य देकर पार्टी का भी नुकसान करते हैं और जनमानस में ऐसी छवि निर्मित कर लेते हैं कि ये पार्टी हिंदुत्व विरोधी है, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता। हमारे अधिकांश परिचित मित्र लोग हैं जो कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इस अवसर पर काफी खुश हैं, प्रसन्न हैं, राममय हैं, राम भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं।
छदम लोगों के कारण ये विवाद उत्पन्न हो रहा है। मैं फिर भी कहूंगा ये तो अवसर पर सभी को राममय होकर, आप कह रहे हैं छद्म लोगों के कारण ये विवाद जो है उत्पन्न हो रहा है, ये छद्म लोग कौन है इसको समझने की कोशिश करते हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका स्वागत। और ये छद्म लोगों की जो बात हो रही है ये कौन है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे थे कि जैसे ही न्योता स्वीकार किया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और देश के कई जगहों से खबर आती है कि कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं पार्टी के इस फैसले से नाखुश हैं और वो इस्तीफा देते जा रहे हैं, पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। क्या कांग्रेस को ऐसा लगा कि ये डैमेज कंट्रोल करने की वक्त आ चुका है? देखिए, मैं डैमेज कंट्रोल तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि पश्चाताप करने का इनके पास समय था। जो इतने वर्षों से जो रामलला टेंट में थे इनकी वजह से, तो इनके पश्चाताप का ये समय था, इनको पश्चाताप कर लेना चाहिए था, लेकिन शायद इसमें भी ये चूक गए, इसमें भी ये विलंब हो गया इनको। तो अभी शायद कुछ नेताओं को उनके जो सद्बुद्धि है, भगवान राम ने शायद उनको सद्बुद्धि दे दी है। और भगवान राम देखिए सबके हैं, चाहे वो जो उनको मानता है नहीं मानता है, तो भगवान राम ने शायद कुछ नेताओं को सद्बुद्धि दे दी है। जो कुछ बचे खुचे थोड़े बहुत 0.1% या 0.1% कुछ नेता बचे होंगे, उनको भी मैं निवेदन करूंगा कि भगवान राम उनको सद्बुद्धि दें, उनमें भी थोड़ी बुद्धि आए और इस चीज को समझें कि ये देश जो है राम का देश है। इस देश में राम का विरोध करके, भगवान राम का विरोध करके, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का अपमान करके, उन आए निमंत्रण को अपमान करके, आप इस देश में ना राजनीति कर सकते हैं, ना इस देश में रह सकते हैं, ना इस देश के कुछ भी आप नहीं कर सकते। अगर क्योंकि इस देश के कड़कड़ में भगवान राम विराजमान है, अगर आप उस देश के भगवान राम का विरोध कर रहे हैं तो दैट इसका मतलब है कि आप इस देश के कड़कड़ का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी बताइए आप क्या कह रहे थे? जो परिकल्पना कांग्रेस ने हमेशा ही ये प्रतिमान जी पुनीत जी आ रही आवाज जी? बोलिए पुनीत जी। जब जब अवसर मिला है राम राज में राम काज करने का जो काम है वो कांग्रेस ने किया है। 15 साल पहले जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से लेकर आपकी, फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करें क्योंकि बाकी हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। शैलेश्वरानंद जी महाराज महामंडलेश्वर हैं। महाराज जी नमस्कार, आपको प्रणाम भी। और साथ ही साथ सवाल यह है कि ये राम के नाम पर सियासत जो है ये हम देख रहे हैं कि ये हो रही है कि आपको मिलता है न्योता मिलता है कांग्रेस को और न्योता ठुकरा दिया जाता है कि हम नहीं जा रहे, सियासत हो रही है, इसको सियासी मंच बना दिया गया, ये दलील दी गई। लेकिन अब एक तरफ आप वो दलील दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप भी राम की शरण में जा रहे हैं, ये क्या है? प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रत्येक इस प्रकार के विषय वस्तु को भी राजनीतिक जामा पहनाया जा सके। लेकिन यदि मैं तो संत होकर के, मुझे तो हाल फिलहाल में ही कल ये आमंत्रण प्राप्त हुआ, उसके बावजूद भी मैं निकल चुका क्योंकि स्पष्ट है कि उस भूमि को स्पर्श करना और ऐसे दिव्य अवसर पर चाहे किसी का भी आयोजन हो उसमें जाना चाहिए, उसका कोई निमंत्रण आमंत्रण अस्वीकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये दिव्य संयोग होते हैं, इन दिव्य संयोगों के ऊपर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से हो सकता है कि कोई देवता आपके मानस के अंदर आपके भाग्य को चमका दे या आपको खरीदने के समर्थन दे दे। तो जिन लोगों ने भी आमंत्रण ठुकराया है उन्होंने उचित नहीं किया है जी। और रही बात इसको एक तरफा श्रेय लेने की, तो उससे भी मैं कहीं ना कहीं इतफाक नहीं रखता। ये बड़ा लंबा संघर्ष रहा है, इसका बड़ा लंबा इतिहास है, अभी पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया, और आज इन्हें सौभाग्य मिला है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने इन्हें एक अवसर दिया है इस सत्ता को कि वो इस कार्यक्रम को आहूत कर सके। ठीक है, एक सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ है। और इस सौभाग्य को प्राप्त करने में जब मिल रहा है, हाथ में आ रहा है, और फिर आप नहीं ले रहे हैं, ये क्या है? और फिर राम नाम भी जप रहे हैं। सुरेंद्र वर्मा जी अब आपकी बारी, बताइए। जी एक सनातनी का अधिकार है और कर्मकांड के लिए जिस प्रकार से ऐसे आयोजन होते हैं निमंत्रण आवश्यक नहीं है। सनातन में सबसे बड़े धर्मगुरु तो हमारे शंकराचार्य हैं, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। जब देश के महामहिम राष्ट्रपति आमंत्रित नहीं है
छत्तीसगढ़ जो है कौशल प्रदेश कहा जाता है, माता कौशल्या की जन्मभूमि है और यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रदेश के मुखिया भारतीय जनता पार्टी से ही है। नहीं, आप कह रहे हैं राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया? नहीं, आप कह रहे हैं राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया? नहीं, मैं यहाँ से यहाँ के मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, पुणे की। राष्ट्रपति जी को शिलान्यास कार्यक्रम से बाहर रखा गया था, आपको याद होगा। और अभी अभी तो जो माता कौशल्या की धरती से ट्रकों में भर के अनाज भेजा गया, लेकिन हम तो भाषा के रूप में पूछते हैं, छत्तीसगढ़ के रोम रोम में रचे बसे हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति में समाहित है। सबरी जी ने यही शिवरी नारायण में प्रभु श्री रामचंद्र जी को बेल खिलाए थे, जो सामाजिक न्याय का प्रतीक है। जिस तरह से संक्रांति के दिन तो हमारे नेता ये सब बातें ठीक है, आप तो ये बताइए जा क्यों नहीं रहे? इनके निमंत्रण की जरूरत नहीं है, तय कौन करेगा कि कौन अतिथि होगा कौन अतिथि नहीं होगा? दलील तो आप ये दे रहे हैं कि 22 तारीख को, आप दलील ये दे रहे हैं कि अधूरा, नहीं सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आप दलील दे रहे हैं कि कांग्रेस दलील ये दे रही है कि अधूरा मंदिर है, लेकिन मुझे बताइए कि उसी दिन फिर आप चंदखुरी में तो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी दिन आप हनुमान चालीसा का जाप भी करवा रहे हैं। ये दलील सबसे पहले शंकराचार्य जी ने दी कि सनातन में मूर्ति की स्थापना जो प्राण प्रतिष्ठा होता है उसी के साथ शिखर में कलश की स्थापना होती है। ये कांग्रेस का तर्क नहीं है, ये शंकराचार्य जो सर्वोच्च धर्म गुरु है सनातन के। ठीक है, बार 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 कांग्रेस जो है केवल शंकराचार्य के बयान की आड़ लेकर इसका विरोध दर्ज करा रही है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, आप जो कह रहे हैं इस बात को समझ लेते हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी, ये कांग्रेस बार बार शंकराचार्य की बात कहते हुए ये बात कर रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की तरफ से ये जो कहा जा रहा है कि इस एक दूसरा भी बयान है कि राजनीतिक मंच बना दिया गया, लेकिन क्या कांग्रेस ने ही इसे राजनीति का मंच, क्योंकि अगर कांग्रेस शामिल हो जाती तो शायद इस पर ऐसी चर्चा भी नहीं कर रहे होते हम लोग। देखिए, राजनीतिक मंच बनाने का समय इनके पास भी था, इतने सालों की सरकार थी, बना देते भगवान राम का मंदिर, कर लेते राजनीति, किसने मना किया था इनको, किसने मना नहीं किया था। और दूसरी बात देखिए, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करना, भगवान राम की मूर्ति स्थापित करना, पूजा करना, कहीं से भी राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप इस देश का संविधान उठा के देखेंगे तो संविधान की जो मूल प्रति है उसके पहले पृष्ठ पर राम दरबार की फोटो है, और उस राम दरबार की फोटो जहां पे भगवान राम सुशोभित होते हैं, अयोध्या नगरी में जब सुशोभित होते हैं उस राम दरबार की फोटो, जब राम दरबार संविधान आप उठा के देखेंगे तो उसकी मूल प्रति जब आप देखेंगे उसमें है। उस भगवान राम की पूजा करना, उस भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करना, उनको स्थापित करना उनके स्थान पर, कहां से राजनीति होगी मुझे नहीं समझ में आता। तो पहले, सबसे पहले ये लोग इस बात को समझ लें, और ये जिस तरीके की तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं शाहबानों से लेके, जो आप इनका ये देखिए कि कब से इनका पतन शुरू हुआ है, जब से शाहबानों की तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं तब से इनका पतन शुरू हुआ है, और आज तक ये इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, आज तक ये इस कंफ्यूजन की स्थिति में है कि हमको करना क्या चाहिए। आज भी अगर इनके पास सही में, मैंने कहा कि पश्चाताप का समय था, इन्होंने पश्चाताप नहीं किया। दूसरी बात, जो शंकराचार्यों की बात आप कर रहे हैं, शंकराचार्यों की बात करने का अधिकार, अगर जो उनको मानता है, जो उनको पूजता है, अगर वो उनको बात कर माने कि नहीं, वो जो कह रहे हैं, ये कौन से मुंह से शंकराचार्यों की बात कर रहे हैं? इनके ही शासनकाल में शंकराचार्य को क्या स्थिति करी गई थी इनके शासनकाल में, इनको शायद पता हो या नहीं पता हो, अगर पता कर लें तो ये लोग शंकराचार्यों की बात कैसे कर रहे हैं? हमारे धर्मगुरु हैं, हम मान रहे हैं शंकराचार्यों को, जब वो कहेंगे जो बात कहेंगे जो भी है वो देखा जाएगा। ठीक है, सुरेंद्र जी। चंपत राय और अंधभक्त तय करेंगे कि शंकराचार्य कह रहे हैं उसको मानना है कि नहीं मानना है। प्रत्येक सनातनी जो है शंकराचार्य को सर्वोच्च धर्मगुरु मानता है। एक सनातनी होने के नाते मेरे लिए भी शंकराचार्य जी के जो 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 कथन है वो धर्म के संदर्भ में कहीं भी कोई संशय की स्थिति नहीं बनती। क्या कहा शंकराचार्य जी ने, जरा उसकी व्याख्या कर दीजिए। सुरेंद्र जी, शंकराचार्य जी ने क्या कहा है उसकी थोड़ी सी व्याख्या कर दीजिए। चंदा चोरी के आरोप लगे, व्याख्या कर दीजिए थोड़ी सी। महासभा और विश्व हिंदू परिषद ने 1400 करोड़ का चंदा चोरी का आरोप लगा। देवेंद्र पांडे जो राष्ट्रीय महासचिव है हिंदू महासभा के, और जिस तरह से अयोध्या में 2 लाख की आर के शुक्ला जी के पास, ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है, आपकी बातों को लेकर शुक्ला जी के पास जा रहा हूं। डॉक्टर आर के शुक्ला, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस क्या प्याज के छिलके ही उतार रही है, अंत में वो छिलके ही हैं, क्या कहेंगे शुक्ला जी? वर्मा जी ने क्या बोला, मेरे पास उनकी साउंड नहीं पहुंच पाया है, ठीक है, लेकिन निश्चित
एक निश्चित रूप से लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में आ चुकी है। उनका केंद्रीय नेतृत्व कुछ और डिसीजन ले रहा है, प्रदेश नेतृत्व कुछ और डिसीजन ले रहा है, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व जानता है कि अगर उनको राजनीति करना है तो इन्हें जनमानस की भावनाओं के विपरीत जाके वो राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि ये राजनीति का विषय होना भी नहीं चाहिए। राम भगवान का कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो बात लगती भी है, ठीक है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है, अजय धवले जी मैं आपके पास आ रहा हूं, कि केंद्रीय नेतृत्व कुछ और मान रहा है, कुछ और उसके ऊपर डिसीजन ले रहा है, और स्टेट या राज्य का जो नेतृत्व है कांग्रेस का वो कुछ और तय कर रहा है, क्योंकि वो जमीन पर देख रहा है कि परिस्थितियां क्या बन रही हैं, लेकिन ये जो जमीन पर देख रहे हैं ये अपने केंद्रीय नेतृत्व तक ये बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या केंद्रीय नेतृत्व अड़ियल रवैये पर अड़ा हुआ है? देखिए पुनीत जी, कांग्रेस का वैचारिक डायलेमा, जो आइडियोलॉजिकल डायलेमा हम जिसे कहते हैं, ये पहली बार नहीं है। उस समय भी आइडियोलॉजिकल डायलेमा देश के सामने आया था जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देना था कि श्री राम सेतु समद्रम प्रकल्प में, उस समय भी कांग्रेस के एक पक्ष ने कहा था कि नहीं, श्री राम भगवान है हम मानते हैं, लेकिन दूसरा जो इनका नेतृत्व है, जो गांधी परिवार है, उसने कहा था कि नहीं, राम माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, एक काल्पनिक पात्र है, आप एफिडेविट दे दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार ने चुनी हुई सरकारें गिरा दी थी, तब भी कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो भी इसी डायलेमा में था कि वास्तव में राम भक्ति के लिए सरकारें गिरा देनी चाहिए, आर्टिकल 356 इन्वोक करना चाहिए। देखिए पुनीत जी, जब श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी थी 5 अगस्त 2020 को, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सुंदर बात कही थी कि भगवान राम की महिमा देखिए कि इमारतें नष्ट हो गई, लाखों प्रयास किए गए उस राम नाम को मिटाने के लिए, लेकिन श्री राम नाम की महिमा इतनी है कि ये नाम फिर से जगा और फिर से आज एक भव्य दिव्य देश को एक रूप में बांधने का काम श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव कर रहा है। उसी समय कांग्रेस विरोधाभासी बयान दे रहे, एक पक्ष कह रहा कि नहीं हम समर्थन में, दूसरा पक्ष निमंत्रण स्वीकार कर रहा है। एक तरफ कांग्रेस ने जो बातें कही आप तक शायद पहुंची होंगी, ये कहा जा रहा है शंकराचार्य के बयान का हवाला दिया जा रहा है, बहुत सारे सवाल सुरेंद्र जी उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में आयोजन भी किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम वहां नहीं जाएंगे, हम वहां जब जाना होगा हम चले जाएंगे, हमको मत बताइए, न्योता भी नहीं चाहिए। देखिए विचित्र सी बात यह है कि जिस प्रकार से हम राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गान को सम्मान देते हैं, इस राष्ट्र की आत्मा का नाम है सनातन का राम, तो यदि राम के कोई नाम आता है तो ये चाहिए प्रत्येक राजनीतिक दल को कि उतनी ही आस्था और श्रद्धा के साथ में, उतनी गंभीरता के साथ में अपनी प्रतिक्रियाएं दे। रही बात आमंत्रण लेना न लेना, ये उनका निजी विषय हो सकता है, किंतु प्रभु राम तो सबके हैं। लेकिन जहां तक सवाल उठता है शंकराचार्य जी का, उनके सवाल निश्चय ही सनातन के दायरे में उच्चतम महत्व रखते हैं, और इसके ऊपर पक्ष को भी बड़ी सहिष्णुता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ में उन्हें जवाब देना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि सही है कौन है गलत कौन है, मुझे जो लग रहा है वो है कि हड़बड़ी में समन्वय की कमी है। यदि समन्वय कर लिया जाए तो ये स्पष्ट है कि आने वाला जो भी कार्यक्रम रहेगा, अभी तो शुभारंभ है, आने वाला जो भी कार्यक्रम रहेगा वो इससे भी भव्य रहेगा, क्योंकि ये राष्ट्र का बात है, इसके अंदर किसी राजनीतिक दल का, कोई अयोध्या का और राम मंदिर किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का है, तो यदि सबको समन्वय होना है, ये हर राम भक्त ये जानता है, जो राम की भक्ति करते हैं वो हर एक व्यक्ति ये जानता है कि किसी दल विशेष का नहीं है और ये कभी हो भी नहीं सकता। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे आप? पुनीत जी, एक झूठ जो हर भाजपाई बार बार कहता है वो ये है कि राम सेतु को कांग्रेस के नेताओं ने नकारा है, जबकि असलियत ये है कि सबसे पहले सेतु समुद्रम परियोजना आई थी तो वो अटल बिहारी की सरकार में जहाज रानी मंत्री टीआर बालू थे, जिसके खिलाफ उमा भारती और सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रेस वार्ता ली थी, और आखिरी बार किसी ने नकारा है तो मोदी सरकार में पिछले शीतकालीन सत्र में राज्यसभा के भीतर मोदी सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने काल्पनिक बताया था, और जिस तरह से ये कांग्रेस के नेताओं को कहते हैं वो पुरातत्व विभाग का एफिडेविट था जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुआ था, तो ये इनकी असलियत है। मूल बात जो छत्तीसगढ़ जो है वो दंडकारण्य कहा जाता है, जहां अधिकसंख्यक समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वनवास का काटा था, जैसे ही यहां भाजपा की सरकार आई हंसदेव के जंगल कटने शुरू हो गए,
केंद्रीय रामायण और जैसे भाजपा की सरकार आई उसने कहा कि हम राम वन गमन परिपथ जो है इसकी जांच कराएंगे, क्योंकि जो एक्चुअल जो रास्ता था उसमें कुछ परिवर्तन करने के बाद उसमें कई नई चीजों को जोड़ दिया गया जो कि राजनीतिक इस्तेमाल के लिए कांग्रेस ने किया। इस पर क्या जवाब है आपका सर? कौशल्या का दुनिया का एकमात्र मंदिर राजधानी रायपुर से 27 किलोमीटर में है, जिसमें यह भाजपा ही कब्जा करके रखे थे। अभी भी जो 7 बार भाजपा के सांसद रहे उनके परिजनों के कब्जे में कई मंदिर है। ठीक, तो इनके लिए ठीक है, भगवान श्री राम ठीक है, केवल चंदा चोरी ठीक है। राम वन गमन पथ परिपथ की जानकारी आपको है नहीं है, मैं बता रहा हूं, आपने सुना नहीं शायद कि उसके जो मार्ग था जिस मार्ग से राम जी गुजरे थे उसमें परिवर्तन कांग्रेस ने कर दिया और अब इसको लेकर एक जांच बिठाई जाएगी और उसमें पता चलेगा, क्योंकि यह आरोप लगाया गया कि राजनीतिक इस्तेमाल के लिए इसका परिवर्तन किया गया। खैर, कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है, अपना रंग जो है वो दिखा रही है। कांग्रेस का ये मानना है कि जो शंकराचार्य हैं उन्होंने कुछ और कहा है और हम अपने हिसाब से तय कर लेंगे कि हमको राम के दर्शन कब करना है, प्रभु राम के। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ आज की डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।